मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, आपका हमारे केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, चारों ओर चुनावी सरगर्मियां तेज है और सभी आज इसी चर्चा में लगे हुए हैं कि चुनावों का क्या माहौल रहेगा और चुरू जिले में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और अन्य दलों का किस तरह से क्या माहौल है, उन्हीं सब चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव जी चावला हमारे साथ में हैं। डॉक्टर वासुदेव जी चावला एक दबंग जिला अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के जिला अध्यक्षों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और राजनीतिज्ञ भी गहरे कहे जाते हैं। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप मानते हैं कि इन चुनावों में किस क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की और किस तरह क्या कैंपेनिंग चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज की आपने सभा में जोश और खरोश देख लिया और इसमें कोई पूछने की शंका बचे नहीं कि क्या रहेगा। ये तय हो गया कि राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। चूरू जिले की छाओं की छाओं विधानसभा सीटों पर राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में छाओं की छाओं विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। यहाँ आज आपने देखा अविनेश जी महर्षि के पक्ष में योगी महंत आदित्यनाथ आए थे और किस प्रकार युवा अपने आप को अविनेश महर्षि के रूप में प्रकट कर रहा था और जिस प्रकार युवाओं का जोश था वो देखने लायक था। आज अभी भी आप देखिए जैसे रतनगढ़ पूरा ठहर गया हो, पूरा जिला जैसे ठहर गया हो, हर जगह योगी जी की बात हो रही है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, हर जगह मोदी जी की बात हो रही है। ये कोई सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं, ये स्वाभिमान के लिए आज पूरे का पूरा जिला है, आज पूरे का पूरा जो रतनगढ़ है वो एकजुट हुआ है। जिस प्रकार मोदी जी ने इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाया है और जिस प्रकार देश के लोगों में हर आदमी के स्वाभिमान को जागृत किया है, उसका ये प्रकटीकरण और होगा और पूरे के पूरे राजस्थान में पूरे जिले में छाओं की छाओं विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आपने देखा भी आज किस प्रकार आज चप्पा चप्पा भारतीय जनता पार्टी हो रहा है, चप्पा चप्पा भाजपा हो रही है, वो आपने देखा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी योगी जी का रतनगढ़ में जैसे हुआ है, आम सभा हुई है और जबरदस्त उसमें समर्थन भी देखने को मिला, इसी तरह से और भी आम सभाएं आने वाले स्टार प्रचारक में किन किस्म में? कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सिद्धमुख में सभा हुई थी, कल मुख्यमंत्री जी ने राम सिंह जी कसवा के पक्ष में मतदान की अपील की और कल इस पूरे विश्व में राजनीतिक पार्टी को एक सर्वोच्च स्थान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सुजानगढ़ में हमारे खेमा राम जी के पक्ष में मतदान की अपील करने कार्यकर्ताओं से आएंगे और कार्यकर्ताओं के बीच में तो जो लोगों में ये था ना कि जो पहले कहते थे और एक सट्टा मार्केट में एक मैनेज्ड भाव चला, एक मीडिया में भाव चला, आज आप देखिए आप जहां जाते हो पहले कहते थे कि अपने बीकानेर संभाग में दो सीटें मानते थे और आज आप देखिए कि सारी की सारी सीटें कंटेस्ट में है और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस का सफाया भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे बीकानेर संभाग में चूरू जिले की छाओं सीटें आज आपने देख भी लिया है, छाओं की छाओं विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहे हैं। नहीं, इस बार जो आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर प्राय विधानसभाओं में देखें तो बागी उम्मीदवार भी काफी खड़े हैं, वो किस तरह से क्या समीकरण बिगाड़ पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का एक जो लहर भी जो पिछले हम कहते थे कि लहर चल रही है मोदी जी की उसका भी बारे में? इस बार तो सुनामी है, पिछली बार तो लहर थी, इस बार सुनामी है। और जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना होता है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना नहीं है, मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर हम राजनीति करने वाले लोग हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी में हर जगह हमारे ये नहीं प्रत्याशी कौन है, हर जगह ये है कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और जिनको सत्ता की आवश्यकता है, जिनको जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, सत्ता में रह के काम करना चाहते हैं, वो लोग कोई अगर बागी हो गए तो उसके बारे में मुझे ज्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। जो जनता की सेवा के लिए और इस मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए आए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है।
है और ये कोई टिकट ऐसे नहीं, ये पूरे का पूरा अमित शाह जी का सर्वे है, माननीय वसुंधरा राजे जी का सर्वे है और जनता ने ये फीडबैक दिया है कि ये आपकी सेवा करने के लिए, ये इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए, इस जनपद की सेवा करने के लिए, इनसे उपयुक्त कोई उम्मीदवार नहीं है। हमने सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो कोई और उस हिसाब से जीत रहे हैं। बागी खड़े हैं, वो अपने जो बागी हैं वो बागी के बारे में ज़्यादा कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम तो बात करेंगे जो हमारे प्रत्याशी है, वो मैं ठोक बजा के कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमने सेवा के इस पथ पर उनको उतारा है और वो सेवा करेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा सीट पर, छओ की छओ विधानसभा सीटों पर भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल, एक और साथ में यही जानना चाहूँगा कि जनता बिल्कुल सहयोग भी करेगी और प्रत्याशी भी अपनी जगह सभी उचित हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे परिणाम भी आएंगे। आप एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो संगठन की किस तरह से भूमिका अभी चल रही है और किस तरह से क्या? ये चुनाव ही पूरे का पूरा संगठन लड़ रहा है और हमारे कांग्रेस, अभी आपने देखा होगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन का स्ट्रक्चर ध्यान है। आप बूथ अध्यक्ष तक चले गए, आप पन्ना प्रमुख तक चले गए, पन्ना प्रमुख से निकलकर आपने, हमने घर तक को आइडेंटिफाइड कर लिया, हमने घर का प्रमुख बना दिया। आपको कांग्रेस की अधिकतम कोई इकाई दिखेगी तो वो जिला इकाई दिखेगी, जिला इकाई में भी दो चार लोग दिखेंगे। मैं कह रहा हूँ हमने तो घर तक नहीं छोड़ा, हमने तो घर तक के प्रमुख बना दिए। तो ये चुनाव पूरे का पूरा संगठन लड़ रहा है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने घर आइडेंटिफाइड कर लिया, ये भाजपा का घर, हम घर घर तक पहुंच गए, हमने मेरा घर भाजपा का घर, मेरा घर कमल का घर। तो संगठन ही पूरे का पूरा ये चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई नेताओं की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, एक परिवार है और परिवार के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका को भी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से संगठन की क्या रचना चल रही है और सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में, अभी पहले जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो जबरदस्त संगठन की एक भूमिका रही और राजस्थान में भी ऐसी संगठन की भूमिका रहने की उम्मीद रहेगी। अंत में मैं आपसे एक अपील चाहूँगा, जिले के, आप पूरे जिले का नेतृत्व करते हैं तो पूरे जिले के लिए ही प्रत्याशियों के लिए क्या अपील रहेगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे चूरू जिले वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये चुनाव इस देश के मान सम्मान के प्रतीक का चुनाव है, तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस देश के मान और सम्मान की रक्षा के लिए, इस देश में पुनः नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए, मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस देश के मान और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। वरना आपने देखा था कि कांग्रेस की राज में किस प्रकार अपने सैनिक निरुत्साहित हो गए थे, आज किस प्रकार सेना के जवान सीमा के पार जाकर भी दुश्मनों का संहार कर रहे हैं। तो इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, इस देश के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और इस देश को खुशहाली के पथ पर और अग्रसर करें। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश में विकास की गंगा बही है, ये गंगा अनवरत बहती रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।